धुंधला आ गया है। मुझे थोड़ी सी शूटिंग कर दें क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता। आ जाए तो हम बनाने लगे हैं बैंगन का रायता। रायता दही से बनता है, बहुत सारी चीजों से बनता है, कद्दू का भी बनता है, कद्दू का भी, खीरे का भी बनता है। और ये जो बैंगन का है ये बहुत तरीकों से बनता है। मतलब जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ ये मुझे लगता है थोड़ा सा जरा डिफरेंट है और आप लोगों को भी मजा आएगा। और बैंगन में बहुत ज्यादा आयरन होता है, कहते हैं कि ये नेमल बदल है गोश्त का। तो ये इसमें लगा रही है डीप सा एक कट, डीप सा, और इसके अंदर ये देखे और गहरा लगाऊं। हाँ जी भाजी, मैंने तो ऐसे लगाया था। कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये अंदर ये देखे, हाँ जी, इसके अंदर हमने डाल दी मिर्च अंदर करके, ये मिर्च चली गई और ये लहसुन चला गया। इसको हम थोड़ा यूं डाल लेते हैं, यूं और यूं पिघल के अंदर। ठीक है, आप ना रानी चूल्हा जलाएं, इसके ऊपर हम रखते हैं इसको, हम यूं लंबा वाला एनसीएम दे लेते हैं जरा सा। ठीक है, ये हो गया जी, ये हो गया जी। चलिए तो ये अब हमारे बैंगन जो है इनमें हमने कर दिया है। चलो जी, इसको हम बिल्कुल हल्की आग पे ये रखेंगे, इसके ऊपर हम ये अपने बैंगन रख देंगे। ये इधर तैयार हो रहे हैं बैंगन, और जनाब ये इधर दही डाली जा रही है, तैयार की जा रही है, और थोड़ी देर में बाकी इसमें नमकियात मसाला जात भी डाले जाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक, है ठीक, और बीच में थोड़ी सी डालेंगे हम ब्लैक पेपर। ओके, ब्लैक पेपर। और ये मुजीब आपको ना मेरा यहाँ पे ऑलिव ऑयल है, ये तेल भी दिखा दें, ये बड़ा अच्छे वाले किस्म का ना जैतून का तेल है। इसकी हम स्किन उतार लेंगे। खैर है, ये देखें कितना अच्छा गल चुका है, और हम इस आग पे ना, जी जी, हम इसकी ये भी इंटैक्ट रहने देंगे डंडी, क्योंकि जी क्योंकि इसका मुझे तो ये बड़ी आर्टिस्टिक लगती है, अल्लाह की बनाई हुई जो। हाँ, ये वैसे ही पकाने वाली है, अच्छी रखी है। हाँ, मेरे को नहीं पसंद है, मैं तो ना से, हाँ मैं तो पसंद है। हाँ लो जी, इसकी हमने छिलड़ उतार लिया, इसकी स्किन उतार दी, स्किन उतार दी हमने इसकी। रानी इसको तोड़ना नहीं है, नहीं बिल्कुल ना टूटे। अच्छा, इसको ऐसे ही रखना है उसमें। जी, क्लोव भी गल गया ये लहसुन का। अच्छा, ओके, ये छिल गया ना, इधर से मैं ये भी उतार दिया, इसको हम ले आए इधर। इधर तुम्हारा बड़ा ठीक ठाक हो गया, रानी का भी तैयार हो गया। चलो रखो जी, थोड़ा सा इसको हम मैश कर देंगे, इस फॉर्म में कर देंगे ना। ओके, इधर और ये थोड़ा सा
जितने मर्जी बैंगनों का बनाए। हाँ जी ठीक, मतलब मैंने तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये देखे, लहसुन भी, लहसुन भी ये देखे हो गया, और अचार भी, वो सॉरी अचार के मिर्च तो ऐसे ही रख लें अगर किसी ने खानी हो तो, ये हो गया ठीक है। और इसके ऊपर हमने पोर करना है, ये उठा लें, तो बड़ा प्रेजेंटेशन भी बड़ी जबरदस्त हो गई भाई ये तो, है ना? हम्म, या ये जगह भी डाल दो, जगह नहीं इतना सा तो नजर आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारा बैंगन का नहीं, इसके ऊपर डलेगा ये वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल थोड़ा। अच्छा ओके, और ये अभी इस फॉर्म में बना हुआ है, राइट, तो वो अपना बिरयानी, बिरयानी तो बिरयानी का भी दम अभी उतार लेते हैं। हाँ जी, ये बिरयानी है, वाह जी वाह, गुड है, शक्ल से तो बड़ी प्रेजेंटेबल, बड़ी प्रेजेंटेबल। अभी ये देखें, बिरयानी ने बड़ी मेहनत से बनाई हुई है इस बार तो, अगर आप देखें गार्निशिंग में उसने लेमन और ये अपना टमाटर और ये ब्राउन किए हुए प्याज, हरी मिर्च, और ये देखें जी वाइट एंड येलो, सही, ये सही कलर है आज बिरयानी का है। तो ये फिर अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, नहीं वो फिर खाते हुए हम दिखाएंगे इसको डिश आउट करेंगे। और आज इसके साथ है हमारा ये बैंगन का भरता और साथ में वो आलू की भुजिया, ये आज थोड़ी सी हमने इस तरह से रखी है विद ग्रेवी ये, राइट। तो ये इसके साथ वैसे होती है पूरियां, इसके साथ चने हो, हलवा हो और पूरियां हो, या वो जो होती है क्या कहते हैं, ओ मेरे भटूरे, जो गोलगप्पू सा होता है उसको कहते हैं चल मेरे भटूरे, वो भटूरा होता है, पूरी होती है वो, असल में उसमें सूजी डली हुई होती है और वो पूरा फूली भटूरा होता है क्या, भटूरा होता है, अच्छा पता नहीं सारे शॉप पर बड़े बड़े भटूरा होते हैं, भटूरे भटूरे भटूरा, देखो ना हमें पता है कि ये बेस ही है कि बेस है, मुझे तो लगता है भटूरा होता है, भटूरा भटूरा मतलब मेरा ये ख्याल है, चलो हम पूछ लेते हैं ना, बता देंगे हमें लोग, नॉलेज को मजीद पॉलिश करके आएंगे और हम आपको बताएंगे कि भटूरे होते हैं कि भटूरे होते हैं, उसके साथ फिर चने भी बनाएंगे, इस तरह के आलू भी होंगे और मजेदार सा होगा सूजी का साथ हलवा नेक्स्ट टाइम। तो आज का मेन्यू हमारा ये है, अभी खाना लगता है, कहीं पर भी नहीं जाना, तो हमारे से मुलाकात होगी आपकी ऑन डाइनिंग टेबल। मुझे कुछ पिक्चर्स आप ढूंढ रही, कोई आसिम की ढूंढ रहे हैं? हाँ मैं देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो आज 24 अक्टूबर है और आसिम की हुआ करती थी 24 अक्टूबर को बर्थडे, जो कि हम लोग सारे बड़े शौक से मनाते थे क्योंकि आसिम हमारा सबसे छोटा भाई था और अभी रिसेंटली यानी तकरीबन 5-6 महीने पहले वो हम में नहीं रहा, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत की ठंडी छाँव में रखे, उसको जन्नत में आला से आला मकाम हासिल हो, और हमें तो लगता है कि हमारा भाई किसी बहुत अच्छी जगह पे होगा, अम्मी अबू के साथ होगा, खुश होगा, तो जो है वो अम्मी अबू वैसी बहुत बड़ा लाडला था, सबसे छोटा था जी, मैं भी आपको उस तस्वीरें भी दिखाऊंगी कुछ, अम्मी का तो खैर बहुत ही लाडला था, सबसे छोटा था, बहनों का बहुत लाडला था, हमने कभी गोदियों से नीचे उतारा ही नहीं था उसे, एक बहन उठाती थी फिर लाड में दूसरी बहन उठा लेती थी, दिन में दो दो दफा बारियां लगा लगा के नहलाना कि नहीं आज मेरी बारी है, आज मैंने तैयार करना है आसिम को, तो हम तो बड़ी बहने थी, खैर वो भाइयों का भाई, माँ बाप का बेहतरीन बेटा, दोस्तों का बेहतरीन दोस्त, रिश्तेदारों के लिए हर वक्त तैयार तैयार, यानी मतलब आवाज कर, कोई आवाज दे लेना कि आसिम मुझे प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसिम ने उधर पहुंच जाना होता था, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ बहुत ही
बहुत ही अच्छा दोस्तों का दोस्त था, दोस्तों का दोस्त था। और फिर अल्लाह ताला ने उसको उस दिन अपने पास बुलाया मुझे। इट वॉज जुमा, जुमा एंड रमजान, रमजान मतलब अभी मार्च में तुम्हारे वाले वादे एकदम से चल पड़ता था। और ऐसी ऐसी चीजें वो तो अभी हमारे तो बहुत करीब था, दायरे भाई था हमारा, उनके दोस्तों को भी, और उसके दोस्त ऐसे थे कि उस पर वो भी जान छिड़कते थे, बिकॉज एक रेसिप्रोसिटी होती है ना, जैसे आप किसी के साथ करते हैं इसी तरह दूसरा भी आपके साथ करता है। मुझसे डांट भी खाता था, और मुझे बहुत दफा मतलब मैं पुडिंग बनाती हूँ ना तो मुझे तंग करने के लिए कॉल करता था कि अच्छा फिर कितने अंडों में कितने चम्मच चीनी, तो मैं कहती थी यार आसिम तुम एक दफा ही सुन लो ना, मतलब तुम्हें क्यों नहीं याद रहता, तो हंसता था। अच्छा भाई जी उसे खुद भी कुकिंग का बड़ा शौक था, बहुत शौक था उसको, और बड़ा चूजी था खाने के मामले में, तो वो मुझे कहता था कि नहीं मैं हर दफा कॉल करूंगा, तुमने हर दफा मुझे दोबारा से बतानी है। तो इस तरह से हमारी आपस में ये नहीं, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई फैमिली मेंबर ऐसा नहीं है जिसके साथ उसने एक अपना ही गहरा सा रिश्ता ना बनाया हुआ हो, तो अपने अपने हिसाब से ना सब लोग उसको मिस करते हैं। यहाँ तक के रिश्तेदारों को, मेरी नहीं है इतनी मेरे रिश्तेदारों के साथ, लेकिन आसिम गाँव में किसी को प्रॉब्लम हो जानी, कहीं किसी कजन के साथ कोई मसला होना, तो सबसे पहले जो पहुंचने वाला था वो आसिम भाई होते थे। आसिम भाई, आसिम भाई। और हमें तो हमें उसकी कमी रोज महसूस होती है, रोज। तो बस चल के पिक्चर्स देखें आप लोग, और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आसिम तुम्हें हम बहुत मिस करते हैं, और तुम्हारी आपा तुम्हारे बगैर बहुत अकेली है, तो जहां भी हो अल्लाह तुम्हें कंफर्टेबल रखे और खुश रहो। तो अम्मी का बड़ा लाडला था, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगली जो तस्वीरें हैं वो मुझे मिली हैं, तो अम्मी की भी हैं उसमें, तो चले चल के देखे। यार ये एक तो एन के गंदी क्यों हो जाती, अच्छा ये साइमा ने लिखा है कि आफ्टर आसिम एवरीवन इन द फैमिलीज कंडीशन इस पोएम के थ्रू, अगर ये जान ना चाहो कोई कैसे बिखरता है, बिखर कर कैसे जीता है, चमन में तुम चले जाना खिजा के सर्द मौसम में, वहां पत्तों को देख कहाँ पत्तों को देखो तुम, या फिर एक आईना ले लो। यार ये क्या है, या फिर एक आईना ले लो, उसे पत्थर पे दे मारो, अगर मुश्किल अगर मुश्किल हो ये भी तो एक फूल ले आना, हवा के दोष पर रखना, तो फिर तुम जान जाओगे कोई कैसे बिखरता है, अगर ये भी ना हो तुमसे तो मेरे पास आ जाना, मेरा दीदार कर लेना, खबर ये हो ही जाएगी कोई कैसे बिखरता है। दुआ कीजिएगा आसिम के लिए बहुत सारी, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे की को खुश रखें, अपनी अपनी फैमिली में एक दूसरे की कदर करें, और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, एक मिनट लगता है इंसान एक पल में आपके पास होता है, अगले पल वो आपके पास नहीं होता, तो कदर करें और खुश रहें और आसानियाँ बांटें, हमारे लिए दुआ करें अगले ब्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।